हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी वे ऑफ लर्निंग बाय अमित राय में। आज मैं अमित राय यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ रीढ़ की हड्डी। आप बोलोगे सर रीढ़ की हड्डी? जी हाँ दोस्तों, रीढ़ की हड्डी जो कि अभी क्लास नाइन्थ की हिंदी एनसीईआरटी का कृतिका का चैप्टर नंबर 3 यानी कि रीढ़ की हड्डी, जिसको लिखा किसने है? हमारे जगदीश चंद्र माथुर साहब ने लिखा है। ये हमको क्या बताना चाह रहे हैं चैप्टर के माध्यम से कि हमारे समाज में कैसे असामाजिक तत्व हैं जो समाज को बिल्कुल खराब करते हैं, गंदा करते हैं, हमारे समाज को भी भड़काते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों की वजह से हमारा समाज, हमारा देश, हमारे जो पूरा वर्ल्ड है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। इसी को पूरा उभरते हुए अंदाज में हमारे जगदीश चंद्र माथुर साहब ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको बताएंगे जगदीश चंद्र माथुर की जुबानी ये कहानी रीढ़ की हड्डी। ठीक है दोस्तों, देखो क्या होता है इसके अंदर। इसमें देखो कथा के आप शुरू में पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या लग होता है इसके अंदर, तो राम स्वरूप जी हैं वो ऐसा लगता है कि किसी आयोजन की तैयारी में व्यस्त होते हैं। ठीक है भाई, व्यस्त होते भी हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके घर में उनकी बेटी जिसका नाम क्या है उमा, उसकी शादी का रिश्ता आने वाला होता है। ठीक है, अब जो राम स्वरूप होते हैं थोड़े से पुराने ख्याल के होते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि भाई ये लड़की जो है पढ़ी लिखी होती है, उमा पढ़ी लिखी होती है, तो वो सोचते हैं भाई इसकी पढ़ाई लिखाई मैं छुपा देता हूँ। ठीक है, कि मतलब अगर इसको पढ़ाई का छुपाने का फायदा क्या, आप बोलो सर छुपाने का फायदा क्या है, पढ़े लिखे तो अच्छी बात है ये। तो देखो दोस्तों भाई, कुछ लोग होते हैं ऐसे दक्यानुसी लोग होते हैं, पुराने टाइम के लोग होते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, बाबा आदम के जमाने के भी होते हैं कुछ लोग। ठीक है, सोचते हैं ऐसा कुछ कि भाई इसकी ये पढ़ी लिखी है तो कहीं रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। ठीक है, तो इसी सोच के कारण राम स्वरूप जो है क्या करता है, अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई छुपा देता है। लेकिन वो क्या बोलता है कि जो इसको आता है जैसे संगीत बजाना, गाना बजाना और बाकी जो कढ़ाई बुनाई सब आती है वो सब उसको प्रदर्शित करता है किसी के सामने, तो लड़के वाले हैं उनके सामने बोलता है मैं ये सब बताने को तैयार हूँ लेकिन पढ़ाई का नहीं बताऊंगा कि पढ़ी लिखी है ये। ठीक है, और दूसरे फिर राम स्वरूप अपनी वाइफ को क्या बोलता है कि भाई इसको सजा धजा दो, अगर पाउडर वाउडर लगाओ, अच्छा तुम चमकाओ इसके, इसका मेकअप वेकअप करो अच्छे से चमकाओ इसको, लड़के वाले को सामने जाना है इसको। ठीक है, फिर आगे क्या होता है भाई चलो, लेकिन उमा मना कर देती है, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं तैयार हो रही। ठीक है, मैं ऐसा उमा बोलती है, अब उमा बोलती है उमा, लेकिन फिर जो उमा की माता होती है वो बोलती है ये जरूर इसकी पढ़ाई लिखाई के कारण हो रहा है, इतने पढ़ लिख गई है इसलिए ऐसा बोल रही है। ठीक है, फिर लोग गुस्सा हो जाते हैं। फिर दूसरी ओर वो अपना शंकर, अब बोलो शंकर कौन है सर? अरे शंकर भाई वो है जो आने वाला होता है। ठीक है, कौन किसके आने वाला, लड़का वाला आना होता है, रिश्ते लेके जो आने वाले होते हैं। ठीक है, यानी कि शंकर और उसके पिताजी आने वाले होते हैं। ठीक है, आज फिर वो पहुंचते हैं, जब घर पे पहुंचते हैं उसके, किसके घर पे, राम स्वरूप के घर पे पहुंचते हैं। ठीक है, पहुंचे घर पे, स्वागत हुआ भाई, दिखाया सबको, बैठाया, चाय पानी दिया उनको, पिलाया। ठीक है, फिर आगे क्या होता है कि जब चाय पानी दिया भाई, फिर बोलते हैं कि भाई उमा, फिर उमा का प्रवेश होता है वहां से, उमा भाई अच्छा से एकदम गोल्डन कलर का चश्मा उश्मा लगा के एकदम टिप टॉप बन के आती है। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, उमा आई, अब भाई इसको देखती लड़के वाले गुस्सा आते हैं, उनको पता लगता है भाई लड़की जरूर पढ़ी लिखी है, लेकिन राम स्वरूप बड़ा चलाक होता है, बोलता है नहीं इसकी आंखें खराब हैं, ये पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है, तो भाई लड़के वाले बोलते हैं जरूर कुछ तो गड़बड़ है, फिर भी बोलते चलो ठीक है कोई बात, इस समय तो लगा इसके क्या हो गया, क्या बात होगी इसमें। ठीक है, अब भाई लड़के वाले बोलते हैं ठीक है। फिर आगे क्या होता है कि जब उमा बोलती है कि उमा कुछ ऐसी बात बोलती है, टोंट मार देती है एक तरह से लड़के वालों को, कि लड़के वाले को दिल पे चुभ जाती है, खड़े होते हैं, निकल लेते हैं घर से। अब देखो वो टोंट क्या था, उमा क्या बोलती है कि क्या भाई लड़कियों की दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती, क्या उनको चोट नहीं पहुंचती, क्या इसी बात को लेकर बोलती है उमा, बोलती है कैसे पुरुषों को ही पढ़ने का अधिकार है। तो इसी बात को जब उमा बोलती है तो वो जो शंकर होता है वो गुस्सा हो जाता है, उसके पेरेंट्स यानी जो माता पिता होते हैं गुस्सा हो जाते हैं, दक्यानुसी लोग कह सकते हैं आप इन्हें, ठीक है गुस्सा हो जाते हैं इस बात से, सब निकल पड़ते हैं घर से। ठीक है, अब जैसे वो जाने लगते हैं उमा बोलती है आपका चरित्र खराब, आपके लड़के का चरित्र खराब है, इसको देखा गया है कई बार हॉस्टलों के चक्कर लगाते हुए, आप समझ सकते हैं कौन से हॉस्टल की बात हो रही है यहाँ पे, कौन से हॉस्टल चक्कर लगाएगा वो। ठीक है दोस्तों, गर्ल्स हॉस्टल आप कह सकते हैं यहाँ पे, अगर आप स्पष्ट रूप से समझना चाहे तो। ठीक है, तो गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाते हैं, उसको देखा गया है, पढ़ाई में भी कमजोर है एक तो ये, और ऊपर से जो है आप पुराने ख्याल के हैं। ठीक है, और दूसरी ओर क्या होता है, जो शंकर होता है उसकी कमर थोड़ी सी झुकी हुई होती है। ठीक है, तो इसी पे थोड़ा और टोंट मारती है कि आप एक तो दक्यानुसी ख्याल रखें और आपकी बेटी की कमर भी झुकी हुई है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। ठीक है, तो इसी के बेस पे जो है जगदीश चंद्र माथुर ने जी ने क्या बोला है कि आपको जो चैप्टर, हमने जो चैप्टर लिखा है रीढ़ की हड्डी, इसलिए लिखा है इसी के बेस पे कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग हैं भाई दक्यानुसी पुराने ख्याल के, जो ऐसी ऐसी बातें करते जैसे उनको भाई कुछ है ही नहीं,
कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करते, कुछ किसी एग्जिस्ट ही नहीं करते, कुछ भी किसी में अच्छे ही नहीं हो सकते, वो इतने घटिया टाइप के लोग हैं कि भाई असामाजिक तत्व जो है वो इतनी बकवास बातें करते, दिखानुषी बात करते हैं, इसी को पूरा चैप्टर में दर्शाया गया है और यही हमारा चैप्टर, ये इसीलिए रीढ़ की हड्डी चैप्टर का नाम रखा गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो उसको अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन यानी घंटी को बजाना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।